आशीर्वाद दीजिए ना भाई, उठ उठो। हाँ अगला ठीक 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 बहुत खुशी की बात है आज, ये बहुत बड़ा, नहीं तो हम मदद करते लेकिन तो मुसक देता है नमस्कार सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के आनंदपुर सोहरा पंचायत में एक ऐसे गरीब लड़की का परिवार के लोगों ने और समाज के लोगों ने शादी कराया चंदा इकट्ठा करके। हम बात कर रहे हैं दरभंगा के आनंदपुर सोहरा पंचायत के वार्ड 7 में, खासकर लड़की का नाम नंदिनी कुमारी बताया जा रहा है और माता अलखिया देवी। अलखिया देवी ने समाज के लिए एक बड़ा कारनामा किया और समाज के लिए एक बड़ा एक मिसाल पेश किया है, क्योंकि एक ऐसा समय था जब नंदिनी कुमारी, जो एक दिन की नंदिनी कुमारी थी, उसे उसके माता पिता ने फेंक कर चली गई थी। इस तरह का जो कहानी है वो बताया गया है और आज नंदिनी इतनी बड़ी हो गई है कि नंदिनी की माँ अलखिया देवी ने समाज के मदद से शादी किया है और बहुत ही धूमधाम से किया है। इसमें बताया कि 20 से 25 बारातियों का खर्चा किया गया है, भव्य तरीके से पंडाल का निर्माण अंगना घर पे ही किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि जो मछली का जो खासकर मिथिला में एक महत्व रखता है, उसके लिए बारातियों के लिए मछली बनाया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक मैसेज जो है अलखिया देवी और उनके पति जो है रामेश्वर राम, उन्होंने दिया है। वार्ड 7 सोहरा पंचायत की रहने वाली अलखिया देवी ने पूरे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से नंदिनी कुमारी का लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया और आज उसे घर से विदा कर रही है। इंटरव्यू सुनाते हैं, आए हुए लोगों ने क्या मदद किया है। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, खासकर उन सभी लोगों ने बेहतर काम किया है, 6,000 रुपया से अधिक चंदा इकट्ठा कर इस परिवार को मदद किया है। घर घर जाकर गांव के लोगों से मांग कर और चंदा इकट्ठा करके इस परिवार को मदद किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय बजरंग दल दरभंगा टीम में बजरंगी हिंदू हेल्पलाइन जिला संयोजक सत्यम मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उपाध्यक्ष मुन्ना राय, अनंत चौधरी, ये सभी लोग मौजूद रहे हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं लोगों ने क्या कहा है और ये शादी जो है खास क्यों रहा है। नंदिनी ने क्या कहा, कितने दिन की थी तब उसके माता पिता ने फेंक दिया था, इन सभी बातों पर उनसे ही सुनते हैं। साथ ही बता दें कि इस परिवार को राजद के जो जिलाध्यक्ष हैं उदय शंकर यादव, उनकी टीम यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने परिवार को मदद किया है। ये बहुत ही बेहतर मैसेज जा रहा है समाज के लिए, क्योंकि अगर किसी गरीब के परिवार में पैसों की कमी हो, समाज में अगर संसाधन की कमी हो और कोई कोई मसीहा बनकर खड़ा होता है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज और बहुत बड़ा मजबूती प्रदान होता है। हमारे माँ बाबू भगवान है जो हमारा पोसलक, नया जीवन दिया है, नया जीवन दिलक। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी कुमारी। तो आपको पता है कि मतलब आपकी माँ जो है वो मतलब क्या, मम्मी का नाम क्या है? लखिया देवी। कभी ऐसा फील हुआ कि मेरी माँ अपनी नहीं है, ऐसा कुछ लगा कभी? नहीं। क्या कुछ कहानी क्या था, पहले का कहानी क्या है, माँ बताई थी कुछ? नहीं। जी गहना गेथी अन्ना का पढ़ना का धोखा हमरा दिया, पता है ना? हाँ। कि एक दिन के थे तब जब आपके माता पिता के द्वारा फेंक दिया गया था, पता चला था ना? तो आज ये नया जीवन दिया है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? अच्छा, सच्चाई है ये घटना? कौन बताया था ये घटना? मम्मी। क्या बताई थी, की बतन छला? हाँ। की कहूँ? बोले ना, कहीं मम्मी अल्लाह को था का पसला। बताओ। बोले ना, मम्मी अल्लाह को था का पसला। नाम क्या बताया अपना? नंदिनी। आज शादी हो रहा है, कितने खुश हो? कितने खुश हो? बहुत। फेकल चले तो अल्ली वो था के। कहाँ पर? मझोलिया। मझोलिया में, कहाँ? मझोलिया कौन सा पोखरी, मतलब ब्रह्मस्थान के पास? ब्रह्मस्थान के पास ही दूसरे जगह? सारा पोखरी। कब लाए थे, दिन में कि रात में? कब लाए? दिन में। दिन में। कितना साल की हो गई आज? कितना साल? 20 साल। अच्छा, तो दिन में उठाए थे कि रात में? दिन में। दिन में। क्या क्या नाम हुआ आपका? नथिया देवी। तो उस समय में बच्चा किस स्थिति में था? उस समय में बच्चा का तो जीना मुश्किल था, तो रुपया खर्चा करके उसको पोसे।
क्या तकलीफ क्या था शरीर में? नहीं, दूध भी नो ले ला करता था, दूध उठाना कर करके पिलाए, उससे नहीं हुआ तो दीवा वाला पिलाए। आपको बच्चा नहीं था? नहीं, हमको नहीं, एक भी बच्चा नहीं, नहीं। हुआ भी नहीं, नहीं। यही बेटी है? इसको ही बेटा मानते हैं कि बेटी मानते हैं? बेटा मानते हैं। अच्छा, घर का काम भी करती थी? क्या क्या करती थी? सारा बर्तन बासन सब करता, भंसा भात सब करता पड़ता है। आज इसका शादी हो रहा है, क्या क्या कहेंगे? अब कहेंगे तो अब शादी कर देंगे, तब तो पढ़ेगा नहीं, अपना घर रहेगा, हमको छोड़ देगा। ये जो लड़का वाला है, लड़का वाले को ऐसा बताया है कि नहीं इसके बारे में? सारे बता दिए, सारे बता दिए हैं। कौन सा गांव शादी कर रहे हैं? सिमरी महुआ। सिमरी महुआ। लड़का क्या करता है? लड़का अब बाहर दिहाइयों को रहे। अच्छा, तो जब बेटी को उठा कर लाए थे तो आपको ऐसा नहीं लगा था कि किसी का बच्चा है, क्या बोलेगा, क्या होगा? नहीं, बच्चा को भूखा चले तो उठा कर ऐसे फेंक दिया था? कभी किसी को बताया नहीं समाज में कि बताए थे? समाज में, समाज में पूरा सबको मालूम था। तो इसी को बेटा और बेटी दोनों मानते हैं। तो आज ये चाह रही है, विदा हो रही है, फिर आप अकेला, आपको लगेगा कि नहीं अकेलापन? अब की करूँ, अकेला भगवान भेजल के तक ले। आधार कार्ड से बना दिए थे? अपने नाम से बनाए थे? कोई परेशानी इसको कभी नहीं हुआ ऐसा? बैंक खाता ये सब खुलवाए थे कि नहीं? अभी नहीं खुलवाया है। वोटिंग कार्ड से बना है इसका? आधार कार्ड से? ये जो न्यूज बन रहा है, ये जो सम्मानित करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो आप अपने मन से करवा रहे हैं ना? ये कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? किसी तरह का कोई परेशानी? लोग मदद करने के लिए आए हैं ना आपको? कोई दिक्कत? नहीं। गांव? वार्ड? सात नंबर। क्या क्या यहाँ पर क्या करने आए थे आप लोग? यहाँ पे जैसे कि हमें सूचना दिए थे, ये है, हम जा रहे थे रात को 9:45 में, इन्होंने हमें आवाज देके भुल्ली देवी जो कि इनका है, ये बुजुर्ग महिला ने हमें बताया ऐसा ऐसा घटना है। तो मैं बोला ठीक है, अभी तो बहुत रात हो रहा है समय, 9:45 हो रहा था। ठीक उसके प्रात आया तो जैसा कि देखा, एक अनाथ बच्ची के बारे में बताया गया कि इनको फेंक दिया गया था और इनका अभी पालन पोषण करके पढ़ा लिखा के अब शादी होगा, इसके लिए ये गरीब परिवार है, कुछ सहयोग। तो हमने अपने तरीके से सहयोग राशि जो हो सका, हम लोगों ने अपने संगठन से, अपने नौजवानों से, ये हाया घाटे जितने भी नौजवान हमारे संपर्क में थे, कोचिंग से, स्कूल से, उनसे हमने ये बतलाया, ये घटना, ये क्या घटना है, जैसा कि हमें बतलाया गया, मैं रखा तो अपना बल जो सहयोग राशि हो। क्या प्रयास किए हैं इस परिवार के लिए? ये परिवार के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, सत्यम मिश्रा, हिंदू हेल्पलाइन जिला संयोजक मुन्ना राय जी, जिला उपाध्यक्ष और हमारे आनंद चौधरी जी, और एवं जितने भी हमारे टीम के यहाँ साथी मौजूद हैं, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि सरकार एक बगल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते और बेटी के साथ ऐसे किया जाता है, ये गलत है, ये समाज में जागरूकता होनी चाहिए। और हम लोग ने अपना तरीके से मान सम्मान माता रानी को, जो इनके ये गरीब लक्षा देवी को हमने सम्मानित करने के लिए आए और सहयोग करने के लिए आए शादी में, क्योंकि इन्होंने जो जैसा काम किए हैं, एक मिसाल पेश किए हैं हमारे समाज के लिए, एक अनोखा काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं, बच्चे को ये किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष सिंह, राष्ट्रीय बजेंद्र जिला। इधर देखिए, ताली बजाइए। कितना इसमें प्रदान हुआ है तो वही जानकारी देंगे। लखिया देवी सन के कोई नहीं है, बच्चा को कनी बच्चा के पोस लिया, पाल लिया, जवान किया, पढ़ाई लिखाई किया, उसको ब्याह शादी करने के चला, ओकरा वही सन कोई समाज में नहीं है। पति कोई रहो, लखिया देवी सन के कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? भुल्ली देवी।